Hello students, today we are going to study phrase. Okay, in this grammar section, today we discuss about the phrase. What are the phrase and what are the phrases? So let me know what are the phrases. A phrase is a made up of several group of words. Okay, so it is a group of words that make sense but not the complete sense. Okay, phrases are group of words which makes complete sense, which make only sense or some sense. Okay, only sense or some sense but not complete sense. Iska matlab bachcho ye hua ki ye phrases ek aise kuch words ke groups hote hain जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी कुछ मीनिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग वो देते हैं, बट अगर हम कहें कि ये कंप्लीट उस मीनिंग को देते हैं तो ऐसा नहीं है. क्योंकि मान लीजिए किसी सेंटेंस है, कोई एक, अगर हमने सेंटेंस एक ले लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे हमने कहा कि ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली. ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये देखो कि इसमें जो है फ्रेज क्या है. अब इसमें देखो फ्रेज इतना वर्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा टू से स्टार्ट होगा, टू रीच होम अर्ली. वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टू रीच होम अर्ली है, इसमें क्या होगा कि इसका जो कुछ अर्थ है कि जल्दी पहुंचना है घर, ठीक है. लेकिन अब जल्दी पहुंचने के आगे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कह सकते हैं, और जल्दी पहुंचने के पीछे भी ये अधूरा सा लग रहा है. तो जब ये चीज अधूरी सी लग रही है, इसका मतलब है कि इसका कुछ सेंस तो है, ओनली सम सेंस, बट इट इज नॉट गिवन द कंप्लीट सेंस. और ये सेंस कब पूरा होगा? जब हम इसके आगे ही एक्सपेक्टेड लगा दें, ठीक है. तो इसका मतलब हुआ कि इतना पोर्शन टू रीच होम अर्ली, ये क्या हो गया? ये फ्रेजेस में आएगा. ओके, ऐसे अगर हम कहें, दूसरा सेंटेंस लें, आई सॉ अ ड्रेस विच इज पिंक इन कलर. तो बच्चों यहाँ पे पिंक इन कलर ये क्या चीज हो गई? ये यहाँ पर इस सेंटेंस में ये फ्रेज शो होगी. फ्रेज इसलिए शो होगी, देखो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पिंक इन कलर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. अब इसका कुछ मीनिंग है कि ये कलर में कैसी है, पिंक है. लेकिन क्या चीज पिंक है और क्या चीज तुमने देखी, यानी कि उसके पहले जो आई सॉ अ ड्रेस विच इज, अगर हम इतनी इतनी चीज को छुपा दें, हटा दें, तो खाली पिंक इन कलर मिलता है. पिंक इन कलर तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता. तो इसी से समझना चाहिए कि ये सब, जैसे कि इसके अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे है एट द कॉर्नर. ओके, एट द कॉर्नर ये हो सकता है, एट द शॉप हो सकता है, और जैसे कि है इन द रूम हो सकता है. तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, ये सारे के सारे जो है फ्रेजेस में इंक्लूड किए जाएंगे. अब इसके बाद बच्चों आता है कि जैसे एक और छोटा सा होगा, इन स्पाइट ऑफ भी है, ये हमारा एक फ्रेज बनेगा. ओके, अब हम लोग आएंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात करें कि कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं. तो टाइप ऑफ फ्रेजेस में हमने देखा कि यहाँ पर मेनली जो है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में हम स्टडी करते हैं थ्री टाइप्स के. इट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, ये मेनली थ्री टाइप्स का होता है. कौन कौन सा थ्री टाइप्स है? फर्स्ट हो जाएगा नाउन फ्रेज. ओके, नाउन फ्रेज. फिर सेकेंड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, और उसके बाद हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज. अब एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज, ये पर्टिकुलरली होते क्या हैं और किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर नाउन फ्रेज. व्हाट आर द नाउन फ्रेज? सो व्हेन, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एनी ग्रुप ऑफ वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड which act as a noun in the sentence या in a sentence, that is called as noun phrase. अब example इसका देखें, जैसे मैंने सबसे पहला sentence लिया था, जैसे ये वाला he expected to reach home early. अब ये he expected to reach home early, ये actually क्या है? ये यहाँ पर हमें place के बारे में बता रहा है कि वो क्या चाहता था, वो कहीं पर
घर जल्दी पहुंचना चाहता था। तो हमें इसका उत्तर, उसका आंसर क्या करके मिल रहा है कि वो कहाँ जाना चाहता था या वेयर करके मिल रहा है। तो जिसका भी आंसर हमको व्हाट और वेयर करके मिल जाता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वहाँ पे वो नाउन फ्रेज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स फर्दर लेना चाहूँगी। आई सॉ द बिग क्राउड, आई सॉ द बिग क्राउड। ओके, एक सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत, ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत। अब जैसे ये दो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे, अब इसमें देखिए, आई सॉ द बिग क्राउड, मैंने क्या देखा, मैंने एक बिग क्राउड देखा। तो द बिग क्राउड क्या हो गया यहाँ पर, द बिग क्राउड जो है वो नाउन फ्रेज, क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो है वॉट लगा के मुझे इसका आंसर मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊँ वॉट ही वॉन्टेड टू, वो क्या चाहता था, तो यहाँ पर भी वॉट करके इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कि ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत। तो टू लर्न संस्कृत इसमें क्या हो गया, तो टू लर्न संस्कृत यहाँ पे नाउन फ्रेज हो गया। ओके, ऐसे ही आप फर्दर और भी बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं नाउन फ्रेज के रूप में। जैसे अगर किसी ने कहा, थर्ड क्वेश्चन, कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर। ओके, एक अगर मैंने कहा कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर, अब प्रिंटेड मैटर जो है आपने स्टडी किया, या आप इसको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर, अब क्या आप प्रिंटेड मैटर स्टडी पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू कैन रीड, है ना, व्हाट यू कैन रीड। तो व्हाट यू कैन रीड जो होगा, इसमें भी व्हाट ला के आंसर हमको मिल रहा है बच्चों, तो व्हाट ला के जहां जहां आंसर मिलेगा वो होगा आपका नाउन फ्रेज। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद में व्हाट आर द एडजेक्टिव फ्रेज, सेकंड पे आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसका भी बच्चों अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो भी सेम ही होगा, कि द ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसका एग्जाम्पल देखें, अब हम इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिलेगा, जैसे अगर आता है फर्स्ट क्वेश्चन, रोहन, रोहन एन इंटेलिजेंट बॉय, ये इसके आगे लगा, रोहन एन इंटेलिजेंट बॉय सॉल्व्ड द होल क्वेश्चन पेपर अर्ली या वेरी अर्ली। ठीक है, रोहन जो कि एक बहुत बुद्धिमान लड़का है, उसने वो क्वेश्चन पेपर फटाफट सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों जो हम इसका वो बनाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, तो देखो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो रोहन की विशेषता बता रहा कि नहीं बता रहा, एडजेक्टिव क्या होता है, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो रोहन तो यहाँ पे नाउन हो गया, और रोहन की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये जो है एन इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, सेकेंड है, जैसे हमने सेकेंड में, जैसे मैं इस पे और डिस्कस कर सकती हूँ, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस या पिंक फ्रॉक, द गर्ल इन द पिंक फ्रॉक कम्स टू मी। ओके, अब इन द पिंक फ्रॉक ये क्या है, ये उसकी विशेषता है, वो लड़की जो पिंक फ्रॉक में है वो मेरे पास आती है। ठीक है, तो ये क्या इसका शो करता है, ये इसकी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है इस गर्ल को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, अब हम लोग थर्ड पे आएंगे बच्चों, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज एक ही चीज है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में
कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो कैसा काम कर रहा है, एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। अब एग्जांपल, जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग सभी जानते हो कि एडवर्ब तीन टाइप के मेनली होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम, तीन को हम लोग बहुत शो करते हैं इसमें, कि एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और थर्ड होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ में तीन टाइप के हमें पता है, तो हम इसी से पहचान लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं सबसे बारी बारी से इन सबके एक एक करके आपको एग्जांपल बताती जाऊँ। जैसे बच्चों हम लोग अब एग्जांपल लेंगे, लेकिन एग्जांपल भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जैसे कि हमें पता है एडवर्ब थ्री टाइप्स के हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है हम तरीका देखेंगे उस चीज़ का, कुछ को किसी काम को करने का तरीका देखते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा क्या हमें शो करेगा, तरीका या मैनर, ठीक है। अब जैसे जेन वॉकड स्लोली, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हाउ करके, हाउ। यहाँ प्लेस में क्या करेगा, वेयर करके आंसर मिलेगा आपको, और टाइम में कैसे मिलेगा, व्हेन, ओके। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एडवर्ब की हम बात करते हैं तो एडवर्ब में हाउ, वेयर और व्हेन करके हमें ऐसे आंसर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा जेन वॉकड स्लोली, तो हाउ जेन वॉकड, कैसे जेन वॉक करता है, तो जेन स्लोली वॉक करता है। तो जेन जब स्लोली वॉक करता है तो स्लोली जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर अगर इस वाक्य में देखा जाए, सेंटेंस में देखा, तो जेन वॉकड स्लोली, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमें स्पेशली देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें स्पेशली ये देखना पड़ेगा कि इसमें एडवर्बियल फ्रेज क्या है। तो एडवर्बियल फ्रेज जो आएगा वॉकड स्लोली, ये आएगा, ठीक है। जेन फिर वॉकड स्लोली, वॉक स्लोली में वॉक स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। अब सेकंड, जैसे मैंने एक और सेंटेंस अगर हम इसी का लें तो हम क्या ले सकते हैं इसमें, She smiled in a warm manner. In a warm manner. तो देखो warm manner है, यानी कि अब इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या, How she smiled. क्वेश्चन देखेंगे तो How she smiled. अब How she smiled का आंसर क्या मिलेगा, She smiled in a warm manner. अब जो in a warm manner है ये क्या यहाँ पे शो करेगा, ये एक तरीका शो करेगा कि वो कैसे हंसी, बड़े warm manner में हंसी। तो ये जो है in a warm manner, ये क्या शो करेगा, Adverbial phrase of manner. ओके, अब सेकेंड अच्छे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस जहाँ पे शो की जाए या प्लेस जो है आपको मिले, जैसे कि इसमें आपको एक्शन, वेयर द एक्शन इज डन, यहाँ पर एक्शन कहाँ पर डन हो रहा है इसके बारे में बात की जाती है, वेयर द एक्शन इज डन, कहाँ पर वो एक्शन डन हो रहा है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लें इसका, तो हम इसमें ले सकते हैं जैसे कि वी वर लुकिंग यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटेंस है, ठीक है, वी वर लुकिंग यू इन एवरी पॉसिबल प्लेस। अब यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ तक का जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देखो यहाँ से इन एवरी पॉसिबल प्लेस, तो इसका आंसर क्या, वेयर वी वर लुकिंग यू, है ना, क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर वी वर लुकिंग यू, तो इसका क्या आंसर मिलेगा, वी वर लुकिंग यू इन एवरी पॉसिबल वे, जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक मैं तुम्हें देखूंगी या देख रही हूँ, ऐसे करके या देख रही थी, तो मैं तुम्हें वहां तक देख रही थी जहां तक मैं मेरी नजर जा रही थी, ये है इसका मीनिंग। तो इसका मतलब है यहां पर हमें वेयर करके इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इन एवरी पॉसिबल प्लेस जो हो जाएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लोग कहें We found him in the living room. अब we found him in the living room की बात कर लें, अगर मैं सेंटेंस देखो we found him in the living room, हमने उन्हें
लिविंग रूम में पाया, ठीक है। अब लिविंग रूम में पाया यानी कि इन द लिविंग रूम, ये क्या होगा, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज में एडवर्ब ऑफ प्लेस का शो करेगा, एडवर्बियल प्लेस शो करेगा। और इसमें प्लेस इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाएंगे वेयर वी फाउंड हिम, हम उन्हें कहाँ ढूंढते रहे या हम उन्हें कहाँ ढूंढते थे, तो हम उन्हें अपने लिविंग रूम में ढूंढते थे, ठीक है। तो इन द लिविंग रूम यहाँ पर इसका जो है वो एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। अब है जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एडवर्ब हम ऑफ टाइम में हम करते हैं व्हेन द एक्शन इज डन, कि एक्शन तो हुआ लेकिन कहाँ पर हुआ, व्हेन द एक्शन इज डन कहाँ पर हुआ। जैसे कि अगर सेंटेंस होगा फ्लावर इमिट्स इट्स फ्रेगरेंस, फ्लावर इमिट्स फ्रेगरेंस फ्रेगरेंस एट फ्लावर इमिट फ्रेगरेंस ड्यूरिंग द डे, ये हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग द डे। अब देखो यहां पर बच्चों ड्यूरिंग द डे आपने कहा कि फूल पूरे दिन भर अपनी फ्रेगरेंस फैलाते रहे या फैलाते रहते हैं, तो बच्चों कब तक या व्हेन अप टू फ्लावर, व्हेन अप टू फ्लावर इमिट्स इट्स फ्रेगरेंस या व्हेन डज फ्लावर इमिट फ्रेगरेंस, तो ये आपका आंसर क्या मिलेगा, ड्यूरिंग द डे पूरे होल दिन पूरे कंप्लीट दिन में, है ना। तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पे व्हेन लगा के आंसर आपको मिल गया, तो ये जो है ड्यूरिंग द डे जो है यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम शो करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक और है कि शी इज अ गर्ल ऑफ फाइव ईयर्स, या नहीं शी इज अ गर्ल ऑफ फाइव ईयर्स तो यहाँ पे टाइम का नहीं होगा, लेकिन अगर हो सकता है कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एवरी इवनिंग, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन एवरी इवनिंग। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो इन एवरी इवनिंग लिखा गया है ना, ये इन एवरी इवनिंग ये एक्चुअली क्या शो करेगा, यहाँ इन एवरी इवनिंग जो है वो यहाँ पे आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम शो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें वेन लगा के आंसर मिल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाए वेन चिल्ड्रन लाइक टू प्ले या वेन डू चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो इसका आंसर क्या, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन एवरी इवनिंग, ठीक है। तो इन एवरी इवनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ओके, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके आगे का पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।